लोग में आपका स्वागत है। आज हम एक नक्शा बनाने वाला का मकान है ये, उसको देसी रेड मारेंगे, देखते हैं क्या करता है और इसके अंदर किस प्रकार से इन्होंने डिजाइन किया है, इन्होंने छत किस प्रकार की लगाई है और किस प्रकार का डिजाइन किया है, पहले इसने 3D बनवाई थी या नहीं बनवाई थी, इसे पूरी जानकारी लेंगे। इसका मकान आपको अंदर से जाके देखते हैं, ये घर पर मिलता है या नहीं मिलता है। दूसरा कैमरा बदलता हूँ, आप देखते रहिए हमारी वीडियो को एंड तक। ये बजा दी मैंने बेल, अब देखते हैं आएगा भाई, कोई ना कोई तो बाहर आएगा। ये आ गया, राम राम भाई साहब, राम राम। और कैसे हो? बढ़िया प्रदीप भाई साहब, कैसे हो आप? भाई साहब मेरा जी कर गया, आज नक्शे बनाने वाला भाई घर आए पाओगा, उससे मिल के आवा। बहुत बढ़िया मकान बना लिया आपने, उसका मकान दिखावांगे किस प्रकार का मकान बनाया है भाई ने और छत किस प्रकार की है, डिजाइन लेंटर में किए हैं आपने या और कुछ लगाया, पूरी जानकारी दो जी हमने। क्या भाई ऐसा है, डिजाइन आपने देख लिया, आपने अपने जो भी आपके सिस्टम चला रहे हो इसको दिखा दिया है। तो इसमें क्या है जी, हमने तो सारा गाटर पत्थर पे ही डिजाइन किया, पूरा गाटर पत्थर पे बना दिया जी मकान, गाटर पत्थर पे जी बिल्कुल। अच्छा, कोर्ट का डिजाइन देख रहे हो सारा, इसके अंदर जैसे की कोर्ट का शीशा लगा हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है प्रदीप है, की लोग बोलते है भाई लेंटर के बगैर डिजाइन नहीं होता, परंतु हमने वाह जी वाह, आपने कमाल ही कर दिया जी, बगैर लेंटर ही मतलब ये डिजाइन किया हुआ है, सारा सिस्टम गाटर पत्थर पे है और आप अपने जो दर्शक हैं दर्शकों को दिखा भी सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे घर में। धन्यवाद जी आपका। ये देख लो भाई, सबसे पहले आपने लॉबी दिखाऊंगा, ये लॉबी का क्या साइज है जी आपका? ये लॉबी है मेरी प्रदीप 18x14 फुट की। ये देखिए जी, पूरी खुली खुली लॉबी है, किसी प्रकार यूज कर सकते हैं इसको। ये हमारा क्या नाम है, ये देखिए लेटरिंग बाथरूम बनाई है, ये लेटरिंग वो भी गाटर पत्थर में है, ये भी गाटर पत्थर की छत, इसकी ये भी गाटर पत्थर की छत है बहुत। और ये देखिए भाई ने लेंटर को तो यूज किया ही नहीं कहीं पे भी, सिर्फ डिजाइन के तौर पे, बार बार हल्का डिजाइन के तौर पे इन्होंने ये सारा सिस्टम ही हमने लेंटर पर रखा है। ये इधर मान लिया, इधर भी गाटर पत्थर की छत है और बाहर से कितना, और ये सिलेंडर जो चीज है ये आपने वॉश बेसिन दे दी कॉर्नर के अंदर, ये बहुत वॉश है जी, और यहाँ टॉयलेट रखा है हमने, वाह जी वाह, और टॉयलेट ये भी बहुत अच्छे तरीके से आपने इसकी जगह निकाली है, बाथरूम और बाहर वॉश बेसिन, दोनों बाथरूमों के बाहर और लेटरिन बाथरूम के बाहर वॉश बेसिन लगा दिया आपने। ये क्या जी? ये ड्राइंग रूम है जी, ये ड्राइंग रूम, ड्राइंग रूम भी आपने गाटर पत्थर का ही लगा दिया? हाँ, गाटर है, सारे गाटर पत्थर ही जी, बाकी कुछ नहीं है, लेंटर तो हम विश्वास ही नहीं करते, आर्किटेक्ट हूँ मतलब जो काम करते हैं, परंतु हम ना अपने घर पर उचित नहीं समझा लेंटर को लगाना, ठीक है जी। और हमने क्या है जी, मान लिया अभी पीछे 10 साल पहले मकान बनवाया था, उस टाइम पर पिताजी, उस टाइम पर हम इस फील्ड में नहीं थे, परंतु पिताजी ने उस टाइम पर गाटर पत्थर लगाए थे, जो हमने अब दोबारा रिकंस्ट्रक्शन करी उस टाइम पर भी हमने गाटर पत्थर हमारे नू के नू ही। बहुत बढ़िया जी, जैसे कि लेंटर तोड़ते हैं तो खराब हो जाता है गाटर पत्थर, तो मतलब लेंटर काम नहीं करता। हाँ जी, तो हम सलाह देवा लोगों ने कि लेंटर ही लगवाओ, परंतु सही मायना में गाटर पत्थर जो काम कर रहा है वो लेंटर नहीं कर सकता जी। और क्या है, क्या होता है जी, दरारें पड़ने की और मतलब ऐसा कुछ समस्या आती है, परंतु इसमें कोई समस्या नहीं है हमारी, 10 साल बाद भी हम वही पत्थर यूज कर रहे हैं, वही गाटर है, ठीक है जी। ये देखिए भाई ने गाटर पत्थर के अंदर ही बहुत अच्छी तरह डिजाइन कर डाला है, ये देखिए बाहर भी, बाहर जा भी इन्होंने गाटर पत्थर का ही निकाला है, इसके ऊपर इन्होंने ये ग्लास लगवाया बहुत डिजाइन करवा के, और ये देखिए बाहर रोशनदान के ऊपर भी डिजाइन किया है इन्होंने, ये इस विंडो के ऊपर भी हल्का डिजाइन दे दिया है, बाथरूम के अंदर है जो, ये देखिए आप। आपने भाई साहब कितने रूम बनाए हैं इसके अंदर? ये प्रदीप 4 रूम है हमारे इसके अंदर, और ये 125 गज का प्लाट है, यानी 125 गज का प्लाट आपका, 120 गज का प्लाट। अच्छा, 120 में आपने 4 कमरे बना दिए? 4 कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम है, इन्वर्टर रूम अलग से है, मतलब जो एनर्जी पॉइंट बोला जाता है, ठीक है जी, ये इन्वर्टर रूम है। कार पार्किंग के लिए भी सुविधा दी गई है हमारी, ये 120 गज में ही कार पार्किंग की भी सुविधा है साथ में। ये इधर से पैडा रखा है जी हमने, अंदर से वाह जी वाह, बहुत बढ़िया स्टेप बनवाया आपने, आ जाओ आपको ऊपर की दर्शन करवा देता हूँ।
ठीक है जी। आपने देखो आप हमारी 14 बाई 18 बाई 14.5 की करीब करीब, ये देखिए जो सारे ही गाटर पत्थर पे है, लोबी जो मतलब लोग ये बोलते हैं ना कि गाटर पत्थर पर कुछ नहीं हो सकता, ये उनके लिए एक चुनौती भरी। बहुत बढ़िया जी, ये आपने अच्छे तरीके से बनवाई है, इसके अंदर और पूरा खुला एरिया है, पूरा खुला एरिया। ये देखिए भाई ने अंदर की पैड़ी ली है और ये पैड़ी भी बहुत अच्छी तरह ग्रेनाइट लगवा के इन्होंने तैयार करवाई है और इसके अंदर 7x10 की पैड़ी चढ़वाई है जी हमने। अच्छा जी, और रेलिंग का काम बाकी है भाई का, हो जाएगा भी? हाँ, रेलिंग का काम बाकी है, जो पिताजी ने काफी बार बोल भी लिया है, बस वो होता है ना मान लिया मकान। ये देखिए भाई भाई अपनी दे आती चीजें हैं प्रदीप, ओपन टेरिस पूरी खुली है, तो छत ही यूज करी जाती है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी है भाई, इसमें ना तो काम चल रहा है कोनी बाहर का मौसम में ना। देखो ऐसा है कि बिल्कुल एक नंबर का बढ़िया फर्स्ट क्लास माहौल है यहाँ, मतलब सामने देखो तो आपको नेचुरल जो होते हैं मान लिया आगे खेती खेत खेत हैं, खेत खलियान हैं, मतलब लुक देखने से ही बनता है जी हमारे मकान का, हम तो ये कहना चाहूँगा मैं आपको। और आप ऊपर आ जाओ अंदर वाले कमरे में भी दिखाता हूँ आपने, ये देखिए किस प्रकार से इन्होंने कमरा बनाया हमने। इसमें क्या है खासियतें, इसकी खासियत ये है प्रदीप, ये नीचे 10x10 का कमरा है। हाँ जी, और ऊपर कमरा है ये 10x10 से 10x18 का कमरा है। अच्छा जी, जो नीचे किचन है वो प्लस कवर कर ली, इसमें दोनों का एक बना दिया आपने, नीचे दो हैं ऊपर एक है, ऊपर एक है जी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया, ये बाहर से आउटर के लिए। हाँ, दो पानी के लिए है ना, वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है इसमें, पूरे मकान में हर एक रूम में वेंटिलेशन का ध्यान रखा भाई ने, और अच्छी तरह प्रकार से इन्होंने विंडो लगाई हैं और एडजस्टमेंट लगाए हैं, और सभी छत, खास बात तो ये देखने को मिली आर्किटेक्ट होते हुए भी उन्होंने गाटर पत्थर की छत को यूज किया है। देखो मतलब कई बार बोलते ये एक बहुत अच्छी अच्छी सोच है, गाटर पत्थर की एक महत्ता है जी, जिसको मतलब लगाने के बाद समझ में आती है भाई, हाँ गाटर पत्थर वाकई में चीज है। ये क्या है जी, मान लिया आप रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हो तो आप लेंटर को तोड़ोगे तो आपको नुकसान है कम से कम। हाँ जी, लेंटर तोड़ेंगे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा हमने, ये वैसे इसको वैसे की वैसे ही उतार सको हो और फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हो इस चीज को, इसकी सबसे बड़ी महत्ता तो ये है। और रही बात तो उसकी, मान लिया कई बार बोलते हैं जी गाटर पत्थर में वो डिजाइन नहीं हो पाता, वो आपने लगभग हमारा मकान देखा। हाँ जी, डिजाइन बहुत अच्छे तरीके से आपने आपने सबसे पहले इसकी 3D निकलवाई, निकाल के देखी थी। हाँ, मतलब इसका व्यू तो बनाना ही है, वो तो घर व्यू तो बनाएंगे। चलो घर के हो भाई, सारा चीजें है जी, वो तो घर व्यू बना के देखना होता है, कोई बात को नहीं। हाँ हाँ। अच्छा फिर क्या होता है जी, लोगों के मन में एक शंका और होती है कि भाई गाटर पत्थर में आप एक कमरे ऊपर नीचे कैसे कर सका, मतलब दूसरी दोनों को चीज आपके सामने है जी। देखो हमने किचन कवर कर ली है इस कमरे में, और कमरे का साइज हमने लंबाई के तौर पर बढ़ा भी दिया है। ठीक है जी, और इसी के तौर पर ये देखिए भाई, इसके बाहर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं ऊपर जाके, ये किस प्रकार से इन्होंने डिजाइन किया भाई ने, ये देखिए। और ये बाहर निकलते ही हरी भरी हरियाली वाला खेत, जिसमें बाहर भाई बोलते हैं फिरनी से बाहर, बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। और ये देखिए यहीं से पूरे बस स्टैंड तक बस भी दिखेगी इन्होंने चलती हुई, बहुत मौके की जगह है और बहुत ही अच्छा डिजाइन बना भाई ने। अगर इस पर किसी भाई ने 3D निकलवाना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर दे दूंगा, तो आप इसे कांटेक्ट कर सकते हैं, घर का नक्शा, दुकान का नक्शा, किसी प्रकार का नक्शा बनवाना तो आप इससे भाई से ज़रूर मिल सकते हैं। धन्यवाद दर्जय। हाँ भाई, आप तक कोई नक्शा बनवाने खातर को आवा तो के फीस लिया करो आप? फीस क्या होता है, कई बार साइट देख के ही फीस बता सकते हैं जी, वैसे मतलब नॉर्मल रेट प्लानिंग के हिसाब से। अच्छा जी, प्लानिंग के हिसाब से ही सारी चीज़ें मौके बजाने के बाद पता चलेगा जी, क्या चीज़ है, डबल गली है, सिंगल गली है, फ्रंट कितना है, के है वो। ठीक है, आपका कांटेक्ट नंबर दे सकते हो हमारे दर्शकों को? कांटेक्ट नंबर हम दे सकते हैं, कांटेक्ट नंबर ले आप हमारा, बताओ 97-280-44-620। ये नंबर बता दिया भाई ने, इस पर फोन कर गया भाई, तो नक्शा बनवा सका भाई, अपना छोटा भाई है, मेरा नंबर पर फोन करोगे तो भी कोई दिक्कत को नहीं, भाई का नंबर मैं दे दूंगा, लेकिन डायरेक्ट इस बात करना चाहो तो भाई का नक्शे बना कर इसने गाटर 2804-44-620।
गाटर पत्थर इन्होंने छत लगाई है और सारे घर को इन्हें बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया है, ये आप देख पा रहे हैं। ऐसे नहीं हो सकता भी लेंटर का मकान ही बनाएंगे तो डिजाइन बनेगा, गाटर पत्थर में भी डिजाइन बन सकता है, लेकिन आपने आर्किटेक्ट की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। घर अगर आप घर बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट की सलाह लेके उसमें आपका खर्चा बहुत ही कम हो जाता है, उसकी सलाह अनुसार ही काम करें। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को देखने के लिए, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और कॉमेंट करिए, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।